आज हम पढ़ना चाहते प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10वीं आयत आप निकालेगा, प्रकाशित वाक्य रिवेलेशन प्रकटीकरण उसका 12वां अध्याय और 10वीं आयत, सबसे आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10वीं और 11वीं आयत। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है, मतलब शैतान के विषय में यहाँ लिखा गया है। और फिर जो आयत लिखी है वो हम ध्यान से पढ़ना चाहते हैं, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हम शैतान पर जीत पाए, विजय पा पाए, इसलिए कई हथियार प्रभु ने हमें ऑलरेडी दिए हैं प्यारो, और उसमें एक घातक और वेधक हथियार है और वो है प्रभु यीशु का लहू। हालेलुया, यीशु के लहू में प्रोटेक्शन भी है, सुरक्षा भी है, और यीशु के लहू से आप शैतान को हरा भी सकते हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया, किसके कारण जयवंत हुए? मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। ये दोनों चीजें प्यारों आपके लिए हथियार है। गवाही, आपको लगेगा कि गवाही देने से प्रभु के नाम को आप जरूर ऊंचा उठाते हो, दूसरों को आप प्रोत्साहित करते हो, लेकिन तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये भी होती है, शैतान को आप हराते हो। हालेलुया, यीशु के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा भी आप शैतान के ऊपर जयवंत हो सकते हो। अब सवाल ये है कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं। सवाल ये है कि ये विश्वास हम डे टू डे लाइफ में, रेगुलर लाइफ में बनाए रखते हैं, साथ में लेकर चलते हैं या नहीं, कि मैं यीशु के लहू में विजयवंत हूं तो मुझे उसका इस्तेमाल करना है शैतान के कामों से बचने के लिए, शैतान के कामों से सुरक्षित रहने के लिए और उसके ऊपर विजय पाने के लिए। आपको जब तक ये विश्वास नहीं होता, आपको जब तक ये भरोसा नहीं होता कि यीशु के लहू की सामर्थ आपके लिए क्या कर सकती है, तब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आप उसको उपयोग में नहीं लाओगे। आप यही सोचोगे शैतान ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है तो आपको क्या करना है वो भी तो आपको पता रहना चाहिए ना। वो ये सब कर रहा है तो क्या प्रभु ने आपको निहत्था छोड़ा है उसका शिकार होने के लिए? ले जो करना है मेरे बेटे बेटी के साथ कर। नहीं, प्रभु ने आपको निहत्था नहीं छोड़ा, प्रभु ने आपको हथियार दिए, प्रभु ने आपको सुरक्षा दी है, प्रभु ने आपको जयवंत बनने के लिए चूज किया है, पसंद किया है, और आपको विजयवंत बनाने के लिए प्रभु ने हथियार भी दिए, और उसमें कई हथियारों में से एक हथियार है यीशु मसीह का लहू। उसके लहू में सुरक्षा भी है, उसके लहू में सामर्थ्य है शैतान के ऊपर विजय पाने की। हालेलुया। चीप ब्रीम करके एक प्रभु के दास एक उनके जीवन की सच्ची घटना बता रहे। वो बता रहे कि एक मीटिंग में वो प्रचार कर रहे थे, और जब वे वहां प्रचार कर रहे थे वहां एक यंग लेडी थी, जवान बहन थी, जो विच डॉक्टर थी, मतलब जादू टोना करने वाली स्त्री थी, या तो तांत्रिक बोल सकते हैं। और वहां जो मीटिंग चल रही थी उसमें कुछ पास्टर्स का भी ग्रुप था, उन्होंने 5 घंटे तक वो जादू टोना करने वाली बहन के लिए मेहनत करी, 5 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। 5 घंटे तक वे उसमें से जो दुष्टात्माएं थी उनको निकालने के लिए प्रयत्न करते रहे, 5 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। वो लोग प्रार्थना करते रहे, लेकिन वो जो बहन थी, वो जो लेडी थी, और वायलेंट होती जा रही थी, और वो हिंसक होती जा रही थी, और इनके ऊपर वो अटैक करने लगी, वो काबू में नहीं रह रही थी। 5 घंटे हो गए कुछ नहीं हो रहा है, और वो जो दुष्टात्मा उसके अंदर थी वो झूठ बोल रही थी, वो लोग जो वहां बैठे थे उनको सता रही थी,
जो भी आया वो बोल रहे थे। और ये जो प्रभु के दास थे चीम ब्रीम, वो पीछे खड़े थे, ये सब देख रहे थे। और ये बहन ने जो तांत्रिक थी, उनकी वो बहन की नजर ये प्रभु के दास चीप ब्रीम पर गए, और अब वो टारगेट में थे। वो ये पीछे खड़े खड़े शांति से बैठे खड़े, ये क्यों शांति से खड़े? और ये चीप ब्रीम बोल रहे थे कि वो बहन ने उनकी ओर देखा और अचानक से वो स्पीड में उनके सामने आने लगी, उनके पर अटैक करने के लिए दौड़ी उनकी ओर। और जैसे ये बहन जो तांत्रिक थी ये उनके ऊपर अटैक करने जा रही थी, ये चीप ब्रीम बोल रहे हैं, उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये बोला, आई प्लीड द ब्लड, मैं यीशु का लहू मेरे ऊपर ले लेता हूँ, मैं यीशु के लहू का दावा करता हूँ। और वो कहते कि तुरंत वो गिर गई और अपने दोनों जो हाथ थे उसने अपने कानों पर रख दिए और चिल्लाने लगी, नॉट द ब्लड, नॉट द ब्लड, बाकी कुछ भी बोलो, लहू, यीशु का लहू ये मत बोलो। वो चिल्लाने लगी, उसने दोनों अपने हाथ जो थे अपने कानों पर रख दिए, उसको पीड़ा होने लगी। जब वहां खड़े पास्टर्स को पता चला कि ये लहू के कारण इतनी पीड़ा इसे हो रही है, तब उनको आइडिया आया कि ये तो बड़ा हथियार है, वो भी प्रभु यीशु के लहू के विषय में गाने गाने लगे, आराधना करने लगे। और 5 घंटे से जो दुआ कर रहे थे कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ 15 मिनट के अंदर वो बहन फ्री थी और एक दुष्ट आत्मा उनको छोड़कर चली गई थी। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, कई बार जो हथियार हमें प्रभु ने दिए हैं, एन मौके पर हम उसे इस्तेमाल नहीं करते, या तो हमें उतना भरोसा नहीं होता कि ये जो हथियार प्रभु ने मुझे दिया है वो इतना घातक है, वेदक है, असरदार है। लेकिन ये प्रभु के दास को पवित्र आत्मा ने याद दिलाया, प्रभु यीशु के लहू का दावा कर। और जैसे ही प्रभु यीशु के लहू का दावा करा, 5 घंटे से जो कंट्रोल में नहीं आ रही थी वो बहन, एकदम से वो अंकुश में आ गई, नियंत्रण में आ गई, चिल्लाने लगी, बाकी कुछ भी बोल लो, यीशु के लहू के विषय में बात मत करो। ये जैसे हमने रिवीलेशन में प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, उन्होंने कैसे हराया शैतान को, मेमने के लहू के द्वारा। हालेलुया, आपको अपने जीवन में मेमने के लहू का इस्तेमाल करना है, उसे उपयोग में लेना है, उससे शैतान के कामों के ऊपर विजय को पाना है। लेकिन उसके लिए आपको जानना पड़ेगा प्यारो वो लहू सामर्थ्य, आपको विश्वास करना पड़ेगा वो लहू नॉर्मल लहू नहीं है, वो यीशु का लहू है प्यारो, वो कोई मेमने का लहू, भेड़ बकरी का लहू नहीं है, जिंदा खुदा का लहू है प्यारो। क्यों वो दुष्टात्माएं चिल्लाने लगी? वो जानती है कि यीशु के लहू की ताकत क्या है, उसके लहू की सामर्थ क्या है, यीशु ने वो लहू बहा दिया है प्यारो, आपके लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। कैसे हम ले सकते हैं? विश्वास से। हम जब विश्वास से मांगते हैं, यीशु आपके लहू को मैं मेरे ऊपर लेता हूँ, मेरे परिवार के ऊपर लेता हूँ, मेरे व्हीकल्स पर लेता हूँ, मेरे घर के ऊपर लेता हूँ, जब आप विश्वास से वो लहू को मांगोगे, आपको भरोसा करना है यीशु का लहू छिड़का गया है, और जहाँ यीशु का लहू होगा वह शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया, वह शैतान का कुछ भी नहीं चलता है। आमीन, हालेलुया। जब इसराइली लोगों को प्रभु ने छुड़ाया, निर्गमन 12:13 में लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया, प्रभु ने कहा, जब भी आप अपने घरों में ठहरे हो, आखिरी विपत्ति जो आएगी, पहले जो पुत्र होगे उनको मार दिया जाएगा, लेकिन आपको अपने घर में रहना है, घर के बाहर मेमने का लहू लगाना है, और जो मेमने का लहू रहेगा, प्रभु का वचन कहता है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। यीशु का लहू जब आप विश्वास से अप्लाई करोगे आपके जीवनों के ऊपर, अपने परिवार के लोगों के ऊपर, वो लहू चिन्ह ठहरेगा, शैतान पहचान लेता है,
भले मुझे और आपको पता हो या ना हो, यीशु के लहू की सामर्थ, शैतान वो सामर्थ को जानता है प्यारो। यीशु का लहू जब आप अपने ऊपर मांगोगे, एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारो जब आप यीशु के लहू की सुरक्षा मांगे बगैर दिन को शुरू करो। सुबह जब उठो, दुआ में बैठो, ये दुआ अवश्य आपकी लिस्ट में, दुआओं में जो प्रेयर पॉइंट होते, प्रेयर पॉइंट में एक पॉइंट होना ही होना है कि यीशु आपके लहू को मैं मेरे ऊपर, परिवार के लोगों के नाम लो, अपना जो कुछ है, घर है, व्हीकल है, जॉब है, बिजनेस है, सब के ऊपर आपको यीशु का लहू मांगना है और वो लहू आपके लिए चिन्ह ठहरेगा। आमीन। और क्या होगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। हालेलुया। वो विपत्ति तुम पर न पड़ेगी जब आपके ऊपर यीशु का लहू होगा, जब आपके घरों के ऊपर यीशु का लहू होगा, जब आप अपने अपने परिवार को, परिवार के लोगों के ऊपर यीशु का लहू मांगोगे। प्रभु का वचन निर्गमन 12:23 में कहता है, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। हालेलुया। आपका नाश करने वाला, नुकसान करने वाला, छीनने वाला आपके घरों में, आपके जीवनों में प्रवेश करने न पाएगा जब आपके घर में, परिवार में वो यीशु के लहू को देखेगा। जो लोग बार बार दुष्ट आत्मा के अटैक का सामना करते हैं, आपको हर रोज सुबह शाम यीशु का लहू देखो, बोलने के लिए नहीं बोलना, जब विश्वास नहीं होता सिर्फ नाम का बोलते कुछ नहीं होगा, विश्वास से मांगना, भरोसा रखना कि वो लहू, अगर ये तो मेमने का लहू था जब निर्गमन में प्रभु ने कहा चौखटों पर लहू लगाना, वो तो हलवान का लहू था, अरे वो लहू इतनी सुरक्षा कर सकता है कि वो करार किया था प्रभु ने, लहू देखेगा प्रभु छोड़ देगा, तो ये तो स्वर्गीय परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह का लहू है, वो कितना ज्यादा सामर्थ्य और सुरक्षा आपको प्रदान करने वाला है। आमेन। हालेलुया। तो जब मांगो विश्वास से मांगना कि जब मैं मांगूंगा नाश करने वाला, विनाश करने वाला, नुकसान करने वाला, छीनने वाला मेरे जीवन, घर, परिवार में, जॉब में, बिजनेस में दाखिल ना हो पाएगा। आमीन। हालेलुया। शैतान का काम है वो चोरी करने, नाश करने, मार डालने के अलावा और कोई मकसद से नहीं आता, लेकिन जब यीशु का लहू आप मांगोगे अपने जीवनों के ऊपर वो कुछ ना कर पाएगा। हालेलुया। वो लेडी चिल्लाने लगी, कुछ भी बोलो यीशु का लहू नहीं बोलना, जो 5 घंटों में नहीं हुआ था, 5 घंटे की दुआ चिल्लाना ना कर पाई, सिर्फ यीशु के लहू का दावा करने से वो हो गया। प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा शैतान के ऊपर जय पाया। क्या आप वो लहू का इस्तेमाल करते हो प्यारो? अगर नहीं करते, आपने अपने दरवाजे खुले रखे, अपने जीवन के द्वार खुले रखे, अपना बिजनेस, आपका बिजनेस असुरक्षित है, आपकी जॉब असुरक्षित है, अगर वो लहू को आप नहीं मांगते तो आपको हर रोज सुबह शाम जब भी प्रभु अगुवाई दे विश्वास के साथ मांगना है, प्रभु मैं मेरे ऊपर, मेरे परिवार के लोगों के ऊपर, मैं मेरी जॉब के ऊपर, मैं मेरे बिजनेस के ऊपर, प्रभु जो भी आशीष आपने मुझे दी है उसके ऊपर यीशु मसीह आपका लहू मांगता हूँ, मांगती हूँ। और जब वो लहू देखा जाएगा वो चिन्ह ठहरेगा, विनाश करने वाला आपके घर, बिजनेस, जॉब, जीवन में दाखिल नहीं हो पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन 12:27 में प्रभु का वचन कहता है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों को मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इसराइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उससे फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। प्रभु का वचन कहता है हमारे घरों को बचाया। आपका घर बच भी सकता है
आपका घर शैतान लूट भी सकता है। सिर्फ एक ये कदम, आप घर के ऊपर, परिवार के ऊपर यीशु का लहू मांगते हो या नहीं। एक कदम आपके घर को सुरक्षित भी कर सकता है, एक कदम आपके घर को खुला छोड़ सकता है शैतान के लिए। जब हम प्रभु भोज में जा रहे प्यारो, आइए आज विश्वास करें, अगर एक मेमने का लहू वो निर्गमन के समय में परमेश्वर के लोगों को वो नाश करने वालों से बचा सकता है, तो जिंदा खुदा के मेमने यीशु मसीह का लहू, उसका वो लहू कितना ताकतवर है मुझे आज सुरक्षित रखने के लिए, मेरे परिवार भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जरूरत है, मैं उसका इस्तेमाल करूँ। आमीन। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, प्रभु भोज में जाए उससे पहले प्यारो हम छोटी दुआ करना चाहते, प्रभु से कहना चाहते, प्रभु हमें अनुग्रह दे उसके पुत्र प्रभु यीशु के लहू में जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को साथ लेकर चलने के लिए, उस सुरक्षा में बने रहने के लिए, उस सुरक्षा से दूर नहीं जाने के लिए। प्रभु से कहे, प्रभु यीशु आपके लहू का सामर्थ, उसके ऊपर मैं आज से भरोसा रखो, आपका लहू सामर्थ्य है प्रभु, कमजोर नहीं है, वो मुझे बचा सकता है, वो मुझे सुरक्षित रख सकता है, वो मेरी नौकरी को, मेरे बिजनेस को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरी वाइफ को, मेरे भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। लेकिन मैंने शायद इतना उस पर भरोसा नहीं किया होगा, विश्वास नहीं किया होगा, उसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया। आपका वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा, हलवान के लहू के द्वारा शैतान के ऊपर विजय पाई, जयवंत हुए। प्रभु मैंने यह हथियार का इस्तेमाल नहीं किया प्रभु, लेकिन आज तू अनुग्रह दे, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को मैं अनुभव करने पाऊँ, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को मैं उपयोग में लाने पाऊँ। कहिए प्यारो, यीशु मसीह आपके लहू की सामर्थ को मुझे उपयोग में लाने के लिए अनुग्रह दे, उसको हर रोज मैं इस्तेमाल करूँ, सुबह शाम इस्तेमाल करूँ, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जो भी तूने मुझे है प्रभु, उससे मैं खुला ना छोड़ू, उसके ऊपर ये चिन्ह हमेशा मैं लगाता रहूं, यीशु मसीह के लहू का चिन्ह, ताकि नाश करने वाला कुछ भी मेरा छू ना पाए, ना मुझे छू पाए, ना मेरे परिवार को, ना जो मेरे पास है उससे। ओ यीशु, आपके लहू का चिन्ह मेरे ऊपर बना रहे, आपके लहू का चिन्ह मेरे परिवार के ऊपर बना रहे, यीशु मसीह आपके लहू का चिन्ह मेरी नौकरी पर बना रहे, बिजनेस पर बना रहे, मेरे बच्चों के ऊपर बना रहे, मेरे भविष्य के ऊपर बना रहे, मेरे पास जो भी तू ने दिया हुआ, दी हुई आशीष है, उन सब पर यीशु मसीह आपका लहू छिड़कता हूं, छिड़कते हो, उसे मैं सुरक्षित करता हूं, सुरक्षित करती हूं, शैतान उसे छू न पाए, नाश करने वाला, विनाश करने वाला, जब ये चिन्ह देखे वो दूर से भागे, क्योंकि ये मेमने का लहू है, जिंदा मेमने खुदावंत यीशु मसीह का लहू है। ओ उसे मैं इस्तेमाल करूं, हर रोज मैं उसे इस्तेमाल करूं। हालेलुया। पिता हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, उन्होंने शैतान पर जय पाई, जय है यीशु मसीह के लहू में और सुरक्षा है यीशु मसीह के लहू में। अनुग्रह दीजिए कि हम यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को जान ले, उस पर भरोसा रखे और उसका इस्तेमाल करें हर रोज के जीवन में, ताकि हम सुरक्षा को पाए, ताकि हम विजय को पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्लीज बैठ जाइए।